चलो दीपक भाई चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ। क्यों? अरे बताया तो था तुझे, बच्चे का रिजर्वेशन है, ट्रेन से तैयारी करवा के आऊंगा, खुद भी साथ में जाऊंगा, उसको मस्त सेट करवा के आऊंगा। अच्छा ठीक है भाई करो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बच्चों के बारे में प्लान करो, बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ सेट करो। क्या रखा है यहाँ? क्या रखा है? अबे मर गया क्या अपना शहर? अरे क्या अपना शहर रट लगा रखी है। रखा क्या है अपने शहर में? अपने शहर की रट? और क्यों नहीं लगाऊंगा मैं अपने शहर की रट? तेरे जैसा सैंडी अगर दूसरा आदमी सोचने लग जाएगा ना तो खंडवा तो छोड़, ये जितने भी छोटे शहर है ना सब वीरान हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे एक दिन। और एक बात बता, क्या तुझे कोई बदलाव नहीं दिखता इतने सालों में? अरे तू विकास की बातें कर रहा है, नागचुन से लेकर इंदौर रोड तक की सड़क, स्टेडियम से लेकर रामनगर, ले हो गया विकास खत्म। अबे विकास खत्म? विकास खत्म बात कर रहा है? एक बात बता, तू नागचुन की बात कर रहा है? नागचुन पहले भी जाता था ना तू? हाँ। और अब भी जाता है? हाँ। तो इतने सालों में तुझे बदलाव नहीं दिखा? वहाँ जाता है फैमिली के साथ और खूब सेल्फी खींच खींच के डालता फिर तो। अरे नागचुन में महीने में एक बार जाता हूँ, मेरे घर पानी की समस्या रोज की है। अब बता। एक बात बता, भाभी को तूने कितनी बार कुप्पी से घर के बाहर पानी भरते हुए देखा है? या ये जो गर्मी के दिन गए हैं उसमें तू कितनी बार पानी के टैंकर पे पाइप लेकर चढ़ा है और घर के बर्तन भरे हैं? बात कर रहा है? अरे मैं नर्मदा जल की बात कर रहा हूँ। अबे नर्मदा जल की तू ऐसी रट लगाए फिर रहा है, सुनी सुनाई बातें। क्या तेरे घर रोज पानी नहीं मिल रहा है क्या? मुझे ये बता। चल मान लिया मिलता है, तुझे सड़कों के गड्ढे भी नहीं दिख रहे, अंधा हो गया है क्या? मैं अंधा हूँ? तूने विरोध का चश्मा पहन के रखा है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, लोखंड की सड़कें हैं क्या? बात कर रहा है, डामर की सड़कें हैं, गड्ढे होंगे तो फिर सुधरेंगे भी, विकास इसी को कहते हैं। और पिछले एक साल में ये जितना विकास हुआ है ना, ये जब से अमृता भाभी की परिषद आई है वो तुझे नहीं दिख रहा है, तू अंधा हो गया है। अरे वाह नई परिषद, इसके पहले किसके परिषद थी मेरे बाबू? अरे बोल बोल बोलना। अबे क्या बता बता, अबे इसकी बात या उसके पहले की बात या इसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ कि पिछले 3-4 सालों से पूरी दुनिया एक महामारी से उभरने की कोशिश कर रही है, और किसी समस्या से उभरने में वक्त तो लगता है मेरे भाई, धीरे धीरे सब काम होते हैं। जब से अमृता अमर यादव भाभी जी और उनके साथी एक साल से जितना काम कर रहे हैं, जितना विकास कर रहे हैं, वो तुझे नहीं दिखता। ये जो तू पानी पी रहा है ना, ये बेहतर पानी तुझे मिल सके इसलिए 137 करोड़ रुपए की अमृत पाइपलाइन अब योजना के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। उसके बाद ये जो गड्ढों की बातें कर रहा है ना, ये सारे गड्ढे सड़कों के, ये सड़कों के कायाकल्प के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। और वो जो तू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है ना, उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए हैं। और सुन, मैं परिषद का कोई प्रचारक नहीं हूँ, ना परिषद में हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि आम नागरिक हो, समझा? अच्छा, अभी और अच्छा सुन, 2 करोड़ की लागत से वो जो स्विमिंग पूल है ना अपना, है? उसको ओलंपिक के स्तर जैसा बना रहे हैं। ये जो शहर के बड़े बड़े नाले हैं ना, इनकी सफाई के लिए कितने पैसे लगा रहे हैं? 19 करोड़ रुपए, ताकि शहर साफ रह सके। और उसके बाद वो पिछले 40 सालों से ये जो शहर का कचरा वो ट्रेंचिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो रहा है ना, वो जो तुम कचरा करते हो ये इधर फेंका खाके उधर फेंका, तो वो जो ट्रेंचिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो रहा है ना पिछले 40 सालों से, वो गंदगी दूर करने के लिए 7 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही है। और शहर में 300 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं, उनको वैध कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली, वहाँ पे सड़क, वहाँ पे पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं वहाँ पे करवा रहे हैं। अरे बस, अरे बस नहीं, ट्रक ट्रक, ये जो ट्रकों के कारण शहर में ट्रैफिक का जो दबाव होता है ना, उसको कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बन चुका है। उसके बाद ये जो शहर के गरीब लोग हैं ना, उन लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए, मुफ्त स्वास्थ्य के लिए लगभग 2 करोड़ की लागत से संजीवनी क्लिनिक बना दिए हैं। और ये जो अपना शहर है, यहाँ पे जितने तालाब हैं, उनके तालाबों के नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए। और बेटा अभी 50 वार्डों की स्कीमें गिनाना चालू करूंगा ना, तो तेरी और तेरे बेटे की ट्रेन निकल जाएगी, और रिजर्वेशन मैं नहीं कराऊंगा। इतना अच्छा काम है तो शहर में विरोध क्यों हो रहा है? अरे मेरे भगवान, अरे विरोध करना तो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष विरोध करती है और परिषद अपना काम करती है। और याद रख, अच्छे काम के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है।
समझा? सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सिवाय तेरे। मेरा काम क्या है? समय पर टैक्स भरना है, बिजली का अपव्यय रोकना है, पानी का अपव्यय रोकना है, और शहर में इधर उधर गंदगी या कचरा नहीं करना है। हाँ, तेरी ये बात तो सही है। और फिर एक बात और है भाई सैंडी, ये जो अमृता भाभी है ना, वो पूरे खंडवा शहर की बहू है। संस्कारित होने के साथ साथ लोगों के प्रति ना संवेदनशील भी है। और फिर हमारे दादाजी ने भी एक बात कही है, वो क्या है कि औंधे घड़े पे कितना भी पानी डालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बह जाता है। समझा? तू तो जा अपने बेटे को छोड़ने, और थोड़े समय बाद में ना अपना घर भी बेच देना, छोड़ देना खंडवा। समझा? हाँ चल ठीक है, आता हूँ मैं। आता हूँ कहाँ? अबे तो क्या रिजर्वेशन कैंसिल कराने भी नहीं जाऊं? जी हाँ, जो देखे थे सपने खंडवा ने वो सच होते जा रहे हैं। अमृता अमर यादव के प्रयास अब रंग लाते जा रहे हैं, एक कदम सफलता की ओर, एक कदम विकास की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं।